हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यूएस क्रिप्टेक। आज हम देखेंगे कि हम गूगल ट्रांसलेट प्लगइन को कैसे यूज करते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। देखिए, गूगल ट्रांसलेट में आपको ऑप्शन क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन देंगे आप यूजर को, यूजर आएगा आपकी वेबसाइट में, डिफॉल्ट में जो डेटा दिखता है वो किसमें दिखता है, इंग्लिश में। अगर मान लो उसको हिंदी में करना है तो वो डेटा को हिंदी में भी क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। अरबी में करना है अरबी में ट्रांसलेट कर सकता है। जो भी आप लैंग्वेज अंदर से देंगे उसको, उसके अकॉर्डिंग वो लैंग्वेजेस के आइकन्स वहां बने हुए आएंगे। जिस आइकन को वो क्लिक करेगा उस आइकन में आपका डेटा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यही सारा हम प्रोसेस क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो गूगल ट्रांसलेट का हम क्या करेंगे, प्लगइन यूज करेंगे। प्लगइन में हमारे पास ऑप्शंस होगा कि किन किन लैंग्वेजेस को हमें दिखाना है, फिर उसके बाद हमें डिस्प्ले कहां करना है प्लगइन को, ये सारा हम प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जाएंगे डैशबोर्ड में और प्लगइन में। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मैंने गूगल ट्रांसलेट प्लगइन ऑलरेडी इसके अंदर क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। प्लगइन का नाम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्लगइन का नाम है जी ट्रांसलेट करके प्लगइन है। ये ऑप्शन देता है कि आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी रखनी है और कहां पे डिस्प्ले करना है। तो यहां से आप सेटिंग्स में चली जाइए, सेटिंग्स पे क्लिक करिए। देखिए, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ट्रांसलेट फ्रॉम, मतलब डिफॉल्ट में लैंग्वेज मैंने क्या रख रखी है यहाँ पे, इंग्लिश। और यहाँ पे जो लुक होगा वो क्या करना है, फ्लैग में दिखाना है, ड्रॉप डाउन में दिखाना है, क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे फ्लैग ले रखा है। तो देखिए, इस तरह का प्रीव्यू आएगा आपका जब वो दिखेगा। फिर नीचे चलते हैं, नीचे आपके क्या ऑप्शन है कि आपको शो कहाँ पे करना है, शो इन मेन्यू। तो आप बता दीजिए कहाँ पे। मैंने कहा कि मेन्यू में करना है, मेन मेन्यू में मुझे इसको शो करना है। और आप यहां से लैंग्वेजेस बता दीजिए कौन कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे अरबी है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये बहुत सारी, आप सारी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और या आप सेलेक्टेड लैंग्वेज भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से जाके इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जब आप वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट में जाने के बाद, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ वेबसाइट में और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस चेंज करने के आइकन बने हुए आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आ गए। देखिए, यहाँ पे ये आइकन आए हैं। आइकन किसके बेसिस पे आए हैं, जो आपने जी ट्रांसलेट प्लगइन के अंदर जो भी आपने लैंग्वेजेस सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग आए। अब देखिए, चेंज करने का प्रोसेस क्या है, मैं यहां से जाता हूं, यहाँ पे अरबिक पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। देखिए, पूरा का पूरा डेटा अरबी में चेंज हो गया। देखिए, नोटिस करिएगा, पूरा का पूरा जो भी टेक्स्ट चेंज हो सकता है वो पूरा का पूरा कौन सी लैंग्वेज में चेंज हो गया। और दोबारा इंग्लिश करना है तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा है, ये देखिए, इंग्लिश पे करता हूँ, फिर से आपका डेटा किसमें आ गया, इंग्लिश में आ गया। तो गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से क्या होता है, यूजर अगर किसी और भी कंट्री का है तो वो अपने अकॉर्डिंग डेटा क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है रीड करने के लिए। तो गूगल ट्रांसलेट प्लगइन का हमने यूज किया। यूज करने में हमें क्या मिलता है कि हमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी सेलेक्ट करनी है और डिस्प्ले कहां पे करना है, मेन्यू में करना है, कहां पे करना है। अब देखिए, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे लगाना है तो पेज पे लगाने का भी ऑप्शन वो दे रहा है। देखिए, मैं बता देता हूं कहां से, आप नीचे जाएंगे, वो एक शॉर्ट कोड दे रहा है। देखिए, यू कैन यूज, ये आप पीएचपी का कोड यूज कर सकते हैं, हेडर या फुटर फाइल में अगर आपको यूज करना है, नहीं तो केवल आप इतना ले जाइए। देखिए, बीच में जो है, मैं इतने को कॉपी करके किसी पेज में ले जाके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ एडिटर में, तो वहां भी आपके फ्लैग्स बने हुए आ जाएंगे। जो भी आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है आप वहां से भी उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों तरह से है, आपको शॉर्ट कोड भी दे रहा है, पीएचपी का कोड भी दे रहा है, और आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है कि आप डायरेक्ट भी मेन्यू में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हम गूगल ट्रांसलेट का प्लगइन कैसे यूज करते हैं और ट्रांसलेट की हेल्प से हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट का डेटा, और ट्रांसलेट में हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो डैशबोर्ड में लॉग इन कर रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।